अगर आपके पीरियडिक पैसे वही पैसे आपके स्कूल में आने वाला है और उससे लेके बताओ सर थोड़ा सा भी परेशान हो, लेट मी टेल यू थ्री सिंपल वेज टू थ्रू विच यू कैन एक्चुअली स्कोर 100% योर मार्क्स इन एनी ऑफ द 12 इंडेक्स इन एनी ऑफ द स्कूल्स। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिस इज अभिषेक मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एंड वेदांत, कैसे चलेंगे तो जिंदगी, कैसे मेरे शेयर शैलियों, बस मुझे 3 मिनट का अपडेट दो, 3 से 4 मिनट के अंदर मैं आपकी जिंदगी एकदम सफल बना देता हूँ और एकदम से जो उलझी हुई है उसको सीधा कर देता हूं, है ना। सबसे सिंपल करेगा गाइस, नंबर वन आप क्या करो, जो भी चैप्टर आ रहे हैं पहले पता कर लो कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके एडिट टेस्ट में, उस चैप्टर का नाम यूट्यूब पर लिखो। ठीक है, जैसे मान लो लाइट, मैंने लिखा लाइट वन शॉट वेदांत लिख दिया, आप YouTube सर्च करके आपके सामने रिजल्ट बताएगा। इसमें दो प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे, दो आपको सामने दिख रहा होगा, इसका चीज देखो, दो टाइप के वीडियो मिलेंगे, एक होगा जो 1-2 घंटे का होगा, है ना, एक होगा 10-15-20 मिनट का। ये 10-15-20 मिनट को साइड वर्क को फिलहाल के लिए 1-2 घंटे की वीडियो को उठाकर देखो, इससे क्या होगा, इसमें आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा 2 घंटे के अंदर, आपको किसी के सहारा नहीं जरूरत नहीं है, पिच नहीं करना, इन डेप्थ आपको मैं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं एकदम कंप्लीटेड है। ठीक है, अब उसके बाद लाइट लिखा हुआ वंशा वेदांत लिखा है ना, उसके सामने लिखो लाइट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वेदांत लिखो, तो क्या होगा आपके सामने पूरा एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच के एक्सरसाइज के सारे सवाल का लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा, जिसको आप देखकर सॉल्व करना है, इसमें एडिशनल 1 घंटा लगेगा शायद, दैट इज इट, 1-2 घंटे लगेंगे, तो 4 घंटे में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है। अब ये जो 15-20 मिनट वाला वीडियो था ना, जो मैंने बताया था इसको लाइट साइड में रखना, अभी यूज मत करना, इसको आप अपने एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले देखना रिविजन के लिए, ये 15-20 मिनट वाला वीडियो इसको प्रोग्रेस में देखोगे तो फिर 10 मिनट बताने वाला रिवाइज हो जाएगा आपका। तो जितना भी चैप्टर्स है आपके, दिस इज द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस और पीरियडिक टेस्ट। तो मान लो अगर आपके फिजिक्स के 2 चैप्टर्स आते हैं तो 8 घंटे में आपका पूरा खत्म। ठीक है, तो यानी कि पूरा साइंस का अगर आपके 6 चैप्टर्स आ रहे हैं तो 8 से कितना हो गया भाई 48 आवर्स, 48 आवर्स इज बेसिकली 4 दिन समझ लो, 4 दिन या तो 48 आवर्स 2 दिन होते हैं, 2 दिन में आप कोई ना कंटिन्यू से बढ़ते रहोगे, तो मान लो 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा का पूरा साइंस खत्म हो जाता है, 1 हफ्ते में मैथ्स खत्म हो जाता है, तो यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्चुअली स्टडी। अब हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे टॉप करना है तो फिर इसमें एक और चीज करना, सामने जो इधर यूट्यूब में लाइट लगाना, लाइट के सामने लाइट P/Q वेदांत लिखना, तो फिर नीचे आपको P/Q के लिस्ट आ जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या करना है P/Q का सेशन देख लेना, जिसके थ्रू आपके 100 में 100 आएगा, पूरा क्लास सॉल्व जाएगा देखकर, ये कैसे कर दिया इसने, बस फॉलो करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप कितने मार्क्स आते हैं। और अगर आपने ये पीरियडिक बेस्ट मिड टर्म प्री बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसे टेंशन भी लेनी है तो आकार बैच में ज्वाइन करो, बबुआ क्यों नहीं कर रहे हो, आकार बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये बताता हूं मैं। अगर आपको P/Q के साथ भी अमेजिंग चीजें अपने आप करते जानी है, प्रैक्टिस इन सबका टेंशन भी लेना है, तो आकार बैच का वेदांत, आकार बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज में, शायद उससे भी कम, 1,499 रुपीज में इनफैक्ट आपका आकार बैच चल रहा है, 1,500 रुपए का आपका आकार बैच है, जो पूरे साल हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, वहां पर हर दिन शेड्यूल्ड क्लासेस 2 से 3 क्लासेस हर दिन होती हैं, जहां पर आपको सारी PYQs करवाए जाते हैं, NCERT के सारे सवाल सॉल्व किए जाते हैं, आपका टॉपिक बाय टॉपिक डीपेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है क्विज़ेस और लीडरबोर्ड्स के साथ, हर एक सेशन का रिप्ले मिलता है, हर एक सेशन की डाउट सॉल्व हो जाती है, और साथ ही साथ आपको सेशन के बाद असाइनमेंट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ भाई साहब बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता है। मिडटर्म रिवीजन, प्रीबोर्ड रिवीजन, बोर्ड रिवीजन के साथ साथ दिस इज द बेस्ट बैच फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। डू नॉट मिस इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा कूपन कोड ऑलरेडी लगा होगा वहां पर, ताकि आपको ये कोड जो 3,000 का है वो सीधा 1,500 पे मिल जाए, तो जाइए अभी के लिए। तो उम्मीद है बस ये 3 सिंपल स्टेप फॉलो करके आप फिर भी आपके एग्जामिनेशन में, मैं दोबारा रिपीट करूं तो क्या क्या, नंबर 1 वन शॉट, नंबर 2 NCERT सॉल्यूशंस, नंबर 3 P/Q, खत्म खेल। मिलते कमेंट्स में, प्लीज।